हाय मेरे शीशे कहाँ चले गए मेरे शीशे। एक बेचारा यहाँ लगता था, एक बेचारा यहाँ लगता था। मेरा साइड मिरर मेरे को पीछे का दिखाते थे, ये किसी ने तोड़ दिए कल रात को। पता नहीं कौन था हेटर, कौन जलता था, उसने दोनों शीशे तोड़ दिए। अब हमारी ज़िंदगी में तो दुख और दर्द पहले ही थे और एक और दुख जुड़ गया है। ज़िंदगी में दुख और दर्द तो हर किसी की होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके स्टाइल से जीना ही जिंदगी है। हमारी जिंदगी में तो हो गए बहुत सारे दुख। शीशा कोई ले गया मेरा, रात को देख मिनट के लिए खड़ी करी थी, भाई किसने तोड़ दिया। लेकिन वो शीशे तोड़ सकता है, हमारा जज्बा नहीं तोड़ सकता। बाइक में अभी भी शीशे हैं, कहीं लगे हुए हैं। पूरा वीडियो देखो और फिर बताओ कि शीशे कहाँ लगे हुए हैं, और जो ये आंसर सही से बता देगा कि जो शीशे हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, उसको मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा वाला गिफ्ट मिलेगा। अब हम चल रहे हैं खजांची के पास अपने सैडल बैग्स लगवाने, तो चलो चलते हैं। अब हम आ गए हैं दोबारा से करोल बाग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तूने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो मेरे भाइयों बाहर से तो हम हेलमेट ही पहन के आए हैं, बस वीडियो बनाने के लिए हेलमेट इस वक्त हटा दिया है। दिखाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ, तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं खजांची के पास। अब देखते हैं कि जो उसको लास्ट टाइम हमने ऑर्डर दिया था वो उसने बनाया नहीं बनाया। तो ये आ गई है शॉप खजांची की। तो हम पहुंच गए खजांची के पास दोबारा, आओ चलो देखते हैं। बाइक मैंने लगा रखी है अंदर, वेट कर रहे थे कि हमारे बैग्स कब तक आएंगे। और ये हर एक बाइक का काम करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। तो ये रही बाइक, और आपने बना दिया ना वो बैग, साइड बैग्स दिखाना जरा, सैडल बैग्स। तो बैग बनाए भाई ने कुछ ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ये वाटरप्रूफ बैग है हमारे, जो कि इसमें आप कुछ छोटा सामान या आप फैंसी के लिए रख सकते हैं। वाटरप्रूफ बैग्स हैं, छोटे छोटे बैग्स हैं, फैंसी बैग्स हैं, छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और ये लगेंगे ऐसे पत्तियों से लगेंगे ना? हाँ भैया, आयरन की फिटिंग होती है। आयरन की फिटिंग से लगेगा, आयरन की फिटिंग से लगेगा, जो कि इसको हिलने नहीं देगा, गिरेगा नहीं बैग। हाँ, अगर हमें वो बेल्ट टाइप में आता वो बांधते तो लूज रहते, तो ये लूज रहेंगे। तो इसके अंदर ये थोड़ी सी फिटिंग इसकी आउट आएगी, लगाना एक बार इसका बैग ये वाला यहाँ पे, क्योंकि हाँ, तो यही फिटिंग करवाने के लिए अब ये वाली जाली काटनी पड़ेगी। ये तो जाली चाने हटेंगी, ये कटेंगी, ये यहाँ फिटिंग है, उसी टाइप से ये फिटिंग आएगी उस साइड की, सिलेंडर से काट देंगे, जिससे कि हमारा ये बाहर थोड़ा बैग को यूं ही करेगा, यूं ही रहेगा। हाँ, स्ट्रेट बैग स्ट्रेट रहेगा मेरा, क्योंकि बाहर की तरफ रहेगा तो एक तरफ से गैप ज़्यादा दिखेगा, 2-3 इंची का गैप ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा। यूँ रहेगा बैग, बहुत टेढ़ा दिखेगा, और जो यहाँ लगेगा वो जेन्युइन फिटिंग ही होगी। ये चाहिए फिटिंग, एक यहाँ से फिटिंग आएगी जो दिखेगी नहीं, एक फिटिंग इससे साइड में दे दूंगा आपको, उसको मैं ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि सारा ये जो चेसिस है ना ब्लैक की, उसी अकॉर्डिंग रहेगी। तो जो फिटिंग आएगी वो छुपी भी होगी और अच्छी दिखेगी। हाँ, फिटिंग होगी ये यहाँ से, और एक यहाँ पे ही फिटिंग लगा दूंगा, जो कि ये बैग बाहर ना आएगा ना अंदर जाएगा। सही है, तो मतलब काम अच्छे से कर दोगे ना? हाँ, तो बस बहुत बढ़िया, यही उम्मीद होती है खजांची वालों से कि काम अच्छा होगा। और ये बैग इन्होंने अब इस ऑर्डर पे और भी बना लिया है ना? तो इन्होंने दो पेयर ये और बना के रखे हैं, अगर कोई लेना चाहता है सेम बैग और सेम सीट के साथ में, तो वो आए उसको बने बनाए मिल जाएंगे, उसको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है।
जैसे खाने में होता है नमक, ऐसी लाइफ में चाहिए होता है थोड़ा सा टशन, और हम हैं थोड़े से टशनी लोग, तो हमारा काम जो है खजांची वाला हो चुका है। अब देखो तो फाइनल लुक कुछ इस टाइप का है, इस तरफ से। ये फाइनल लुक है इस तरफ से, और ये ऐसे दिख रहे हैं पीछे से, और यहाँ पे भी इन लोगों ने ये पॉइंट्स लगा दिए हैं, तो जो डिज़ाइन है वो मैच हो रहा है, इम्प्रेसिव लुक आ रहा है। अब दिन का वीडियो अलग से बनाएंगे। तो ये है शॉप के ओनर जो असली खजांची हैं, राजीव खजांची, तो इन्होंने ये काम किया है मेरा सीट का, ये वाले बैग से दोबारा से साइड लुक। तो आप बताओ कि कितने का हुआ? और मैंने 1300 में भैया को बैग दिए। कैसे हुआ है? और 1800 की सीटें दी भैया को मैंने। 1300 रुपये के बैग से और 1800 रुपये की सीटें। हाँ, और इसमें जो है लगाना वगाना सब कुछ इंक्लूड है? हाँ, लड़कों की 100 रुपये एक्स्ट्रा लेबर आती है। अच्छा, बैगों की और सीट की। और जिन लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना है आपसे, वो लोग फेसबुक पे जाके आपको ऑर्डर करें। और कोई साइट है आपकी? बड़ा साइट नहीं, साइट नहीं हमारी, कोई साइट नहीं है। तो और गूगल मैप पे अगर आपको ढूंढना हो किसी को, खजांची सर्च करते हैं, पता चल जाता है। अच्छा, तो और ये आपकी न्यू वाली शॉप है? न्यू शॉप है। और आपसे कोई सी भी सीट बनवा सकते हैं? किसी प्रकार की कोई सीट हो, इसके अलावा भी कोई 50 ऑप्शन सीटों की। हाँ, वो आपके पीछे सारे दिख रहे हैं। और किसी भी बाइक की सीट आप बना रहे हो इजीली, है ना? एनफील्ड स्पेशलिस्ट। इतने अच्छे इंसान, इतने पोलाइट इंसान, कस्टमर्स को इतने अच्छे से एंटरटेन करने वाले, इतने अच्छे से ट्रीट करने वाले इंसान, जो कि अपना इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, ऐसे इंसान मैंने बहुत टाइम बाद देखे दोबारा से वापस। और अब दिखाता हूँ उनका काम क्या उन्होंने काम किया है। मैंने ये उनसे बनवाए हैं ऑर्डर पे, और ये सीट उन्होंने दोबारा से इसको रिफर्बिश किया, इसके ऊपर नया कवर लगाया, इसको ये वाला लुक दिया जो डॉटेड लुक देख रहे हो, ये जो लगे हुए इसके अंदर जो पिंस लगी हुई हैं, ये वाला लुक। तो अब जो है बाइक का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा भरा हुआ, थोड़ा भारी भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर इसको खोल के आपको सामान रख सकते हो, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ये हिलाने से हिलने रहे। और वो इंसान इतने अच्छे कि जिन्होंने ये बैग बनाए, ये बैग पता है क्या क्या किया उन्होंने, उन बेचारों को मटेरियल नहीं मिल रहा था, उन्होंने जल्दी से कहीं से मटेरियल अरेंज किया, ऐसा सा सेम ही मटेरियल अरेंज करने के बाद में, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया, जो उनके वर्कर्स थे, जहाँ पे दो काम करते हैं वहाँ उन्होंने चार लगाए, सिर्फ किसकी वजह से? भाई की वजह से, कि भाई काम जल्दी से होगा इनका। और इन्होंने आधे पौने घंटे, एक घंटा लगाया मैक्सिमम इन्होंने कर कुनने के बाद, फिर हमें ये दे दिया। और अब मैं दिखाता हूँ कि ये लग कैसी रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूव करके दिखाऊंगा। अब इनको लगाने के बाद जो लुक है वो ऐसा बन रहा है, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए कि जो पिछला लुक है वो इस टाइप का इतना अच्छा सा, इतना भारी भरकम सा और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेबल बाइक लग रही है इस वक्त, कि बाइक जो है कहीं प्रेजेंट होने के लायक है और प्रेजेंटेबल बाइक है, बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ उसका दूसरा वाला जो पार्ट है, उसको थोड़ा सा मैं मूव करके दिखाता हूँ। तो पीछे से लुक कुछ इस टाइप का है, जो पीछे खाली एरिया होता था वो थोड़ा भर चुका है, और बहुत ही मेरे को, मैं कहूँ तो इम्प्रेसिव लग रहा है। इस तरफ से भी दिखाओ और इस तरफ से भी दिखाओ, और यूटिलिटी है, मतलब कि आप इसके अंदर सामान रख सकते हो और इसमें आप जो भी चाहो वो रख सकते हो। लेकिन लुक जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, जैसी मैंने फ़ोटो दी थी वैसे ही उन्होंने बनाया, और मज़ा आ गया। ये ऐसे करके खुलता है, यहाँ से स्टेप्स हैं इसके। अगर मैं इसको थोड़ा बाहर निकलवा के लगवाता तो इसकी जो चिपकी हुई सी लुक है ना, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा लग रहा है, ये लुक हो जाती ख़राब, इसलिए मैंने इसको थोड़ा भारी रखवाया, क्योंकि मेरे को इसको ज़्यादा खोलना नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए मैंने बनवाए हैं। और सही बताऊँ तो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इसका कॉस्ट मैंने बता ही दिया आपको, और ये वीडियो हम फ्लाईओवर के नीचे इसलिए शूट कर रहे हैं, इसलिए स्पेशल टाइम निकाल के शूट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या, वो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और उस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है जो किसी न किसी एक बंदे को मिलेगा। वो क्वेश्चन ये है कि जो मेरे शीशे थे जो बहुत लोगों को पसंद आए, और जो कि बहुत इन्जॉय किया लोगों ने देख के, हर किसी ने पूछा कि भाई वो शीशे कहाँ गए, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भाई मेरे जो शीशे थे कितने तोड़ दिए,
वो बंदा चाहता था कि मेरी बाइक में वो शीशे ना लगे, हो सकता है वो मुझसे जलता हो, या फिर हो सकता है कि चढ़ता हो, या फिर कुछ और बात हो। बहरहाल हमने उसकी जो दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं होने दी, उसने शीशे यहाँ से तोड़े तो हमने कहीं और लगा लिए। आपने ये वीडियो पूरा देखा है, और अब आप बताओ कि इस वीडियो में जो आपने बाइक देखी यानी कि मेरी बाइक, उसमें वो शीशे कहाँ लगे हैं। जो बंदा इस क्वेश्चन का जवाब सही देगा, अगर वो दो भी हों, अगर वो तीन बंदे भी हों, तो मैं उनको बहुत अच्छे अच्छे रॉयल इनफील्ड से रिलेटेड गिफ्ट सेंड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब समझ लो ये एक टाइप का कॉम्पिटिशन है और एक टाइप का गिव अवे है, जो भी आप जानना चाहो। तो बाय बाय दोस्तों, आज़ाद रहो, खुश रहो, हमेशा हंसते खेलते हुए रहो। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, बाय।